पापा कुछ लोगों को लगता है कि हमारी ना पान की शॉप है। कैसा लगा आज मैं आपके साथ पूरा दिन था? बहुत अच्छा लगा। और हो जाएगा वीडियो कैसे बनाऊंगा? अच्छा अभी हम नोनी के मारेंगे थप। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। क्या हाल है गाइस? सो गाइस, गेस व्हाट, आज क्या है तो बता देता हूँ मैं। तो आज मेरे पापा का बर्थडे है एंड हमने वैसे कल रात को केक वगैरह कट करा था। मैंने सोचा था व्लॉग कल रात को ही स्टार्ट कर देता हूँ, बट मेरी कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी तो इसलिए मैं कल रात तो नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा आज सुबह कर दूंगा मैं स्टार्ट। एंड ये वाला व्लॉग थोड़ा सा अलग बनाने का सोचा है मैंने, मतलब पिछले वालों से थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि इसमें मैं मतलब आज पापा का बर्थडे तो कुछ स्पेशल करना चाहिए मैंने सोचा। तो आज मैं ये करने वाला हूँ कि मैं आज अपने पापा के साथ पूरा दिन रहूँगा एंड जो जो वो करते हैं वही सेम चीज़ें मैं भी करूँगा, लाइक लिविंग लाइक माई डैड फॉर 24 आवर्स। एंड फिलहाल तो अभी पापा सुबह उठते हैं एंड हवन वगैरह करते हैं, मैं 8:30 उठा हूँ तो फिलहाल वो हवन वगैरह तो मेरे ख्याल से कर चुके होंगे, बट आगे का अब जो वो करेंगे वो मैं सब कुछ करता हूँ। एंड फिलहाल अभी नहाऊँगा एंड बाकी देखते हैं। और अभी पापा को इसके बारे में बताया भी नहीं है, वो भी बताता हूँ। तो फिलहाल मैं ऊपर आया था रिकॉर्ड करने एंड अब नीचे जाते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं एंड फिर साथ साथ सब कुछ करेंगे। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मस्त होने वाला है, लेट्स गो। पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा सुनो, आज ना आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। बताओ क्या? क्या सरप्राइज़ आज ना? मैं पूरा दिन जो जो आप करोगे वही करूँगा। आज आपके साथ शॉप पे जाना मैंने और साथ साथ जो जो आप करोगे ना, अभी जैसे मंदिर हुआ है, हाँ तो मैं रेडी होके आ रहा हूँ, तो आपके साथ पहले मंदिर जाता हूँ और फिर आज आपके साथ पूरा दिन शॉप पे रहूँगा। हम तो हवन कर रहे हैं। हाँ तो हवन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा लेट उठाऊँ, मैं आ रहा रेडी होके। हाय मम्मी। तो अभी गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर, मैं भी रेडी हो चुका हूँ एंड थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है तो इस वजह से आज कार में जा रहे हैं। एंड बारिश वैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, उस टाइम भी हो रही थी और आज भी हो रही है बारिश। तो या अभी पापा गाड़ी निकाल रहे हैं एंड हम जाएंगे मंदिर। तो गाइस अभी ले लिया हमने मिठाई एंड एक ये ली मैंने और अब हम जा रहे हैं मंदिर और बारिश बहुत तेज आ रही है। ब्रेकफास्ट बन चुका है एंड मेरा है परांठा एंड पापा चाय के साथ ले रहे हैं एंड मैंने भी जस्ट चाय बनवाई है अभी, तो चाय भी पीते हैं आज। वैसे मैं घर में बहुत रेयर पीता हूँ और मम्मा बना रही है। गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड अब फाइनली शॉप पे जा रहा हूँ एंड आज कपड़े बेचेंगे थोड़े से। तो अभी गाइस हम शॉप पे पहुँच चुके हैं एंड मैं एक बार बाहर से दिखा देता हूँ, वैसे मैंने कभी दिखाई नहीं होगी बाहर से तो आज मैं दिखा देता हूँ। तो ये है एंड वहाँ तक है और नीचे भी है ये और एक सामने हमारे एंड जस्ट अभी पापा ऊपर सब कुछ शॉप खोल रहे हैं, मैं भी ऊपर ही जाता हूँ, दूसरी साइड से जाना है, अभी फ्रंट डोर से तो नहीं खुली है। गाइस अभी शॉप खुल चुकी है एंड यहाँ पे हमारा मंदिर भी है छोटा सा। यहाँ पे साड़ियाँ वगैरह ना सारी, नहीं सूट वगैरह सारे यहाँ रखे जाते हैं और साड़ियाँ लेडीज सूट है, पैंट शर्ट के कपड़े हैं बाहर। मैं बैठता हूँ बट मेरे को ये नहीं पता कहाँ क्या रखते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक सिलवाने का, इसी में सिलवाता था पहले। ऊपर की भी लाइट्स जल चुकी हैं एंड यहाँ पे तो देखो सारा साड़ियों का है, इतना भी है यहाँ पे, साड़ियाँ होती है नीचे, सूट पापा ने बता दिया था, मेरे को याद नहीं था क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले आया था ना बैठता था, आज काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। एंड उधर की साइड कुर्ती जैकेट वगैरह सब कुछ ये यहाँ पे। एंड एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कितना मोटा चूहा है, ये देखिए वो भाई साहब, ए यार मेरे को डर लग रहा है इतना, मेरे को चूहे से भी डर लगता है, एनिमल सारे एनिमल से डर लगता है मुझे, बट मैं फिर भी एक बार जाके दिखा देता हूँ। हाँ मैंने पूरा ज़्यादा भी बता रखा क्योंकि मेन मैंने आज पापा के साथ स्पेंड करना है तो इसीलिए, बट हाँ मैंने आप सबको एक बार छोटा सा टूर दे दिया कि क्या क्या है एंड अब नीचे चलते हैं वापस। एक सामने वाली शॉप भी है, वहाँ पे जेंट्स के मिलते हैं और इस साइड वाली में बच्चों के मिलते हैं, बाकी ऊपर सारा लेडीज़ का है।
उधर जेंट्स का है और किड्स का है। सो गाइस, वैसे तो मैंने सब कुछ दिखा दिया है, बट एक आखिरी चीज रह चुकी थी जो अभी बनी है कुछ टाइम पहले, एक या दो मंथ हुए होंगे इसे बने हुए। तो ये हमारा एक स्टूडियो बना है शॉप का, यहाँ पे साड़ी वगैरह दिखाई जाती है एक्सपेंसिव थोड़ी सी। पापा कुछ लोगों को लगता है कि हमारी ना पान की शॉप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो तुम लोगों ने YouTube पे डाल रखा है ना कि मेरे पापा की पान की शॉप है। मैंने दिखा दिया साड़ी वगैरह के कपड़े वगैरह की पान की नहीं है भाई, तुम पान की क्यों डाल रहे हो YouTube पे। मैं उस दिन ऐसे ही देख रहा हूँ, मैंने देखा चलो देखता हूँ आज अपना नेम सर्च करके। तो बाकी सब तो आई अजीब रहा है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा स्कूल भी मुंबई में, ऊपर से भी आ रहा है कि मेरे पापा की पान की शॉप है। नहीं है, मैंने दिखा दिया ठीक है, हम कहा कि ऐसी कुछ भी फैला देते पता है नहीं तुम्हें। मैं शॉप पे बैठूंगा, शॉप पे बैठूंगा। तो अभी पापा आ चुके हैं, पापा वैसे पहले आ जाते हैं शॉप वगैरह खोलने, पर पापा थोड़ी सी मतलब आधे घंटे बाद या फिर 15-20 मिनट बाद आ जाते हैं। सामने की दोनों दुकानें भी खुल चुकी हैं, वो वाली। और फिलहाल अभी तो कोई भी नहीं आया है कस्टमर भी, क्योंकि आज बारिश का मौसम, वैसे बारिश रुक चुकी है बट स्टिल अभी तक तो कोई नहीं आया। ट्रेंड के आकाश भाई, इन्होंने पहले अपनी रील डलवानी है। यार ये तेरी बड़ी अच्छी लग रही है यार। भाई मेरे पे सूट नहीं, कर रहा है वो। सूट तो कर रहा है, तूने अपनी इतनी सारी क्यों डाल ली, मेरे को भी कर रहा है। एक अमेरिकन आ गया एक तो। ले आ जा अपने आप सीख आज। यार ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, स्पेशल मुझे ऊपर बुला रहा है कि मैं रील एडिट कर बैठ के। यार तरुण यार ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे ही चलेगा। देखो मुझे बड़ा मुश्किल है ऐसे तो काम भी करना यार। लाओ पैसे निकालो, 400 रुपए की एक एडिट। ऐसा है इसकी जो ऐप की हो रही है ना, पैसे मैंने दिए हैं। हाँ गई थी, पेड ऐप है तो इससे लिए मैंने इसके पैसे। ऐसे सही है, मैं एडिट करके देता रहूँगा सबको और अपना पैसे कमाता रहूँगा, फिर तेरे हाथ में दे दूँगा। चिंता ना कर बेटे, अभी राज भी कह रहा है उसकी भी एडिट करके दूँ मैं, उससे लूँगा मैं। 500 रुपये लगेंगे। ठीक है 500 रुपये लेंगे उससे। बंदा वही चल रहा है, बंदा चल रहा है गाइस, अभी तक कोई आया नहीं है। कस्टमर आने भी स्टार्ट हो चुके हैं, फिलहाल ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पर ही खाना आ चुका है घर से, तो देखते हैं क्या भेजा है। लाल ये आया है एंड एक इसमें गया है, केक होगा इतनी। हाँ ये कल रात जो केक काटा था वो है। आज हम यहाँ पे खा रहे हैं, पहले हम वहाँ खाते थे एंड पे बैठ के, जब मैं लास्ट आया था तब खाता था तू, तो हम वहाँ खाते थे, अब यहाँ खा रहे हैं। मैं शॉप की सबसे टॉप पे आ चुका हूँ एंड अभी 4 ही बज रहे हैं, कोई मतलब ज़्यादा भी नहीं हुआ, बट मौसम ऐसा हो रखा है कि जैसे अंधेरा ही होने वाला है थोड़ी देर में, और बारिश आ रही है सुबह से। वैसे कोट रोड है यहाँ की, ऐसा लग रहा है अभी शाम हो भी गई, अभी तो आया था थोड़ी देर पहले, मैं पता नहीं चला वैसे टाइम का। एंड अभी चलते हैं अंदर वापस। मेरी साइंस की ट्यूशन की तो आज छुट्टी है क्योंकि संडे है, बट वैसे सर रेंडमली कर देते हैं, बट आज पता नहीं कर दी उन्होंने। और SST की तो अभी 2-3 दिन छुट्टी है मेरी वेडनेसडे तक, बट मैथ्स की नहीं है, तो मैथ्स का ज़रा टेस्ट आया तो अभी पहले वो देता हूँ। 1 घंटा मेरा बस पापा से वैसे है, वैसे तो मैं उनके पास ही बैठा हुआ था, बस 1 घंटा थोड़ा यहाँ बैठ के टेस्ट देता हूँ अपना, और जैसे ही ख़त्म होता है फिर मैं वापस से दुकानदारी करना स्टार्ट कर दूँगा। सो गाइस टेस्ट हो चुका है, और अभी जिस भैया आए थे उन्होंने कहा था कि हम केक लाए हैं, तो एक अच्छी सी वीडियो बना दी हो, तो अभी जाते हैं पापा का केक दुकान पे भी कट करवाते हैं। तो गाइस अभी पापा गए ऊपर और ये प्राणी आ गया नीचे दोबारा वापस। ये यही चलता रहता होगा मेरे ख्याल से दुकान पे। मैं सोच रहा हूँ दुकान पे बैठना स्टार्ट कर दूँ। मैं भी सोच रहा हूँ। तू तो बैठता ही है,
मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना आजकल, तू वीडियो बना ले, मैं दुकान पे बैठूंगा, दुकान पे बैठूंगा, बस मैं थार लेके घूमने जा रहा हूँ बस। हाँ बस, अब उनको और कुछ नहीं। आपने केक नहीं काटना था भैया? हाँ मेरे को आप अभी बोल के गए केक। दिखा रहा था पापा को जो आप लोगों ने एडिट्स बना रखी थी फैन पेज से, तो कैसी लगी आपको एडिट वो बना रखी आपकी वीडियो? अच्छी लगी, अच्छी लगी। मैंने अभी पापा को दिखाई बैठ के यहाँ पे सारी, काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस मैंने 15 मिनट की जरा छुट्टी ली है पापा की शॉप से और मैं जरा आ गया हूँ कुछ खाने पीने, क्योंकि ये लोग मेरे को बहुत ज्यादा चिढ़ा रहे थे। पिज्जा सामने रखा है, पूरी वीडियो छोड़ो खाना खाने। भाई पूरे दिन मेहनत करके ना भूख लग जाती है। क्या मेहनत, शॉप पे बैठा हुआ था, आज शॉप पे कोई आया नहीं, बारिश हो रही थी। अबे जा, इतने लोग आए थे, ये देखो पेरी पेरी पास्ता। बेटे मेरे को देख रहे थे वो, इतना प्यारा बच्चा आज सेल्स कर रहा है। तो अभी ऐसा हुआ है कि पापा जा रहे हैं शादी में और ये लोग आ गए हैं शॉप पे। पहले इनमें से कोई सा तैयार नहीं था कि आ जाओ, और अब सारे आ गए तीनों। ऐसे दे रहा है थोड़ी और दे, कितने पैसे बचेंगे इसमें? 8 रुपीस। वो भी इसने मेरे पैसे से खाया, आज मैंने ट्रीट दिया। पैसे खत्म हो गए तब रुक गई, वरना पैसे ना खत्म होते खाती रहती है। मैं ना सुनता मैं तो मारता खड़े हो गए, मैं तो इसे इसका सिर पकड़ता हूँ मारता हूँ। लाइक माय डैड, क्या कर रहे हो तू यहाँ बैठ के? तेरे पापा ये करते हैं, ब्लॉक करते हैं तेरे पापा। अच्छा सिखाऊंगा देखो ना ब्लॉगिंग, फोन पापा सीख गए थे, पापा को भी सिखाएंगे। और अभी हम नोनी के मारेंगे थप। अब सुनना था क्या मारा था, तो देखा था तुमने को नोनी यार, कोई बात नहीं, आजा शट अप, गाल वैसी लाल हो रहे और लाल हो गए। हैविंग पापा पार्ट 2 एंड सन पार्ट 2, वाओ। मीट माय लाला जी एंड सन, बेटा वेलकम टू व्लॉग प्लेइंग गेम ऑल टाइम नो हेट। ये मुझसे पूछ रही है कि तूने कितने बिल काटे हैं। ऐसे काटते हैं एक बिल ऐसे, अगर तू तो घर बैठने लग गया ना तू भजन सुन। मेरी दुकान भरने का टाइम हो चुका है, बंद हो रही है, एंड बस यहाँ की रह गई लाइट्स, ऊपर की सारी लाइट बंद हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह गई होगी। एंड या अब हम भी चलते हैं घर वापस, और आज का दिन काफ़ी अच्छा था, हम काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया। चलो जी चले, कैसा लगा आपको आज मैं दुकान पे आया हूँ? मजा आया घर कभी कभी। तेरे तो बजेगा टोटे, चिल्ला जाए यहाँ से। हाँ भाई ये सेट एक दुखी हो गए होंगे ये सब। इसने क्या मंगवाया ये बताइए टोटा, मेरे पास कपड़े खत्म हो गए थे। तो इसके पास थे नहीं, इसने मंगाया क्या है, अपनी कैप, 2 मफलर, 1 चप्पल, कपड़े नहीं थे इसके पास, तो कोई टेंशन बाकी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सारे कपड़े तू पहने। हम एक चैलेंज ये भी बनाएंगे कि हम ना दुकान में अकेले हैं, सारी लाइटें बंद है रात को। चौथे रात हम पंचम, ठीक है हो रही है दुकान बंद ये पूरी और बस होने वाली है। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं, चलो पापा से पूछ लेते हैं अब आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा था, कैसा लगा आज मैं आपके साथ पूरा दिन था? बहुत अच्छा लगा, रोज जाएगा रोज, फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। बट आज मुझे भी बहुत मज़ा आया, अपना शॉप पे बैठ के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। पहले बचपन में जाता था और मम्मा ये बादाम लेके, मम्मा कैसा लगा आज मैं शॉप पे गया हूँ? सारा दिन खाली खाली बोल रहे। सो घर आने के बाद तो वैसे हमने खाना वगैरह ही खाया था, एंड फिलहाल पापा तो अपना शायद अब थोड़े दिन में सो जाएंगे, और मैं भी थोड़ा
सो ही जाऊंगा मतलब थोड़ी देर में बस, क्योंकि आज तेज भर मैं भी थक गया यार, सही मैच पता चला कितना मेहनत का काम है। एंड फिलहाल मज़ा आया बट आज, और नया एक्सपीरियंस था, मतलब नया तो नहीं कह सकते बट इस चीज़ में था क्योंकि मैं पूरा दिन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कभी ऐसे बहुत रेयर ही गया हूँ। अमन तो मेरे ख्याल से एक आधी बार गया होगा जब पापा और को जाना होता है, तो या अभी फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। बट उससे पहले मेरे को आप सबको एक चीज़ कहनी थी कि अगर आपको इस टाइप का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं ऐसा और भी ट्राई करूँगा, जैसे बड़े पापा के साथ कर सकता हूँ, दादू के साथ कर सकता हूँ, अमन के साथ कर सकता हूँ, आकाश के साथ कर सकता हूँ, मम्मा के साथ कर सकता हूँ, बड़ी मम्मी इशिता चेतना सब, तो इन सब के साथ मैं ट्राई कर सकता हूँ। बट उससे पहले आप सबको इस ब्लॉग पर 5K कमेंट्स करने पड़ेंगे, जिससे मेरे को पता चल जाए कि ठीक है आप लोगों ने कहा है, तो मैं आगे और भी बनाऊंगा और इस मतलब ऐसी और भी ब्लॉग्स आएंगे, इससे अच्छे आएंगे बल्कि, तो ज़रूर देखना वो सारे भी। एंड फिलहाल ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, एंड आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया, और सो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, गुड नाइट।